बोलिए पतित पावनी माँ गंगा की। भक्त जनों, आज मैं आपको पतित पावनी माँ गंगा के धरती पर अवतरण की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि कैसे माँ गंगा हरि चरणों से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई भगवान शिव के जटा में समाकर इस धरती पर भागीरथ के पीछे पीछे आई और उसके पुरखों को पार लगाया। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। हरि चरण से निकली गंगा, हरि चरण से निकली गंगा, शिव की जटा में गई समाय, भागीरथ संग चली गोमुख से धरा पे धारा बहती जाए। अश्वमेध यज्ञ सगर कराए, यज्ञ के अश्व को राजा सजाए। भक्तजनों, एक शुबाकु वंश के राजा हुए जिनका नाम था महाराजा सगर। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर अपने राज्य को महासाम्राज्य बनाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ के अश्व को स्वयं अपने हाथों से सजाया और उसकी रक्षा हेतु उसके पीछे कई हजार सैनिक छोड़ दिए। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने जब महाराजा सगर को यज्ञ करते हुए देखा तो उसके मन में शंका जाग गई कि यदि यज्ञ सफल हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे स्वर्ग का राज्य भी छीन ले। इसलिए उसके मन में एक कुटिल चाल आ गई। अश्वमेध यज्ञ राजा कराए, यज्ञ के घोड़े को सगर सजाए, अश्वमेध के अश्व को छोड़े सैनिक अश्व के पीछे दौड़े, सगर स्वर्ग का राज न छीने, इंद्र को शंका गई समाए, धरा पे धारा बहती जाए। इंद्र ने रच दिया माया जाल, अश्व को ले पहुंचे पाताल। इंद्रदेव के माया जाल के कारण अश्व अपना रास्ता भटक गया और सैनिक भी इंद्र के माया जाल के वशीभूत होकर इधर उधर भटक गए। इधर इंद्रदेव ने मौका ताड़कर अश्व को चुरा लिया और उसे पाताल लोक कपिल मुनि के आश्रम में ले आए। इधर कपिल मुनि तप में लीन थे, उधर इंद्र ने उनके आश्रम में यज्ञ के अश्व को चुपचाप बांध दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। कपिल मुनि इंद्र के इस माया जाल को समझ नहीं पाए थे। भक्तों, इंद्र ने रच दिया माया जाल, अश्व को ले पहुंचे पाताल, कपिल मुनि के आश्रम आए, इंद्र वहीं पे अश्व छुपाए, लीन समाधि में कपिल मुनि थे, इंद्र के जाल को समझ न पाए, धरा पे धारा बहती जाए।
सगर के पुत्र थे 60,000, अश्व खोज के गए थे बुहार। एक वर्ष का समय हो गया भक्तों, यज्ञ के अश्व को कोई ढूंढ ना पाया। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र जब पिता के सन्मुख आए और ये बात बताई तो राजा चिंतित हो गए। चिंतित स्वर में पिता ने अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि हे पुत्रों, जैसे भी हो, जहां भी हो, जाओ, तीनों लोकों में जाओ और यज्ञ के अश्व का पता लगा। सगर के पुत्र थे 60,000, अश्व को खोज के गए थे बुहार। वापस लौट अयोध्याए, सगर को सारी बात बताए। ढूंढ लिया सारी धरती पर, फिर भी अश्व को ढूंढ न पाए। धरा पे धारा बहती जाए, सगर ने बोला पता लगाओ, जाओ अश्व को ढूंढ के लाओ। महाराजा सगर के 60,000 पुत्र पिता की आज्ञा पाकर अपने हाथों में धनुष बाण, तलवार, तीर और कुदाल आदि लेकर तीनों लोकों में चले गए। जब वे पाताल लोक पहुंचे तो क्या देखते हैं, यज्ञ का अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। अब आगे क्या कथा है भक्तों, आइए ध्यान लगाकर सुनते हैं। सगर ने बोला पता लगाओ, जाओ अश्व को ढूंढ के लाओ। सगर पुत्र ले हाथ कुदाल, पहुंचे धरती से पाताल। कपिल मुनि के आश्रम आए, बंधा हुआ घोड़ा वहाँ पाए। धरा पे धारा बहती जा, धरा पे धारा बहती जा। कपिल मुनि को समझे थे चोर, मांगे अश्व मचा रहे शोर। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के अश्व को बंधा पाया तो वो अचानक शोर मचाने लगे। कपिल मुनि को चोर इत्यादि अपशब्द कहकर अपमानित करने लगे। जोर जोर से कहते, ये देखो यज्ञ का अश्व यहाँ बंधा हुआ है, अर्थात कपिल मुनि हमारे शत्रु हैं। यह कहकर वे मुनिवर के ऊपर अत्याचार करने लगे। मुनिवर पहले तो नहीं उठे, परंतु जब तपस्या भंग होने लगी उन्होंने अपने क्रोध भरे नेत्र खोले। उसमें से जो ज्वाला निकली उसमें भस्म होकर सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। भक्तों, कपिल मुनि को समझे थे चोर, मांगे अश्व मचा रहे शोर। सगर पुत्र किए भारी पाप, कपिल मुनि ने दे दिया श्राप। 60,000 सगर पुत्रों को कपिल मुनि ने दिया जलाए। धरा पे धारा बहती जा, सगर पुत्र जब लौट नाए, राजा की चिंता बढ़ती जाए। जब बहुत समय बीतने के पश्चात भी महाराजा सगर के 60,000 पुत्र और अश्व की कोई खोज खबर नहीं आई तो
तो वो चिंतित हो गए और उसी चिंता में उन्होंने अंशुमान को बुलवाया और कहा, हे अंशुमान, अब तुम जाओ और मेरे पुत्रों का तथा यज्ञ के अश्व का पता लगा। अंशुमान ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में आए और उनके चरणों में शीश नवाकर अपने आने का प्रयोजन बताया। सगर पुत्र जब लौटना आए, राजा की चिंता बढ़ती जाए। पहुंचे पाताल में अंशुमान, मुनि थे बैठे लगा कर ध्यान। अंशुमान आने का कारण कपिल मुनि को दिए बताए। धरा पे धारा बहती जा, सारी घटना मुनि बताए। अंशुमान सुन आंसू बहाए। कपिल मुनि के मुख से जब महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप की कथा अंशुमान ने सुनी तो वो कपिल मुनि के पैरों में पड़ गए और क्षमा याचना करने लगे। बोले, मुनिवर, आप तो श्रेष्ठ हैं, फिर भला आपने इतना घनघोर श्राप इन पुत्रों को क्यों दिया? मुनि श्रेष्ठ, आपके श्राप से ये भस्मीभूत होकर प्रेत की योनि में आ गए हैं और भटक रहे हैं। अब कृपा कर इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। मुनि श्रेष्ठ, इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। सारी घटना मुनि बताए, अंशुमान सुन आंसू बहाए। ढेर राख का राजा ने देखा, कपिल मुनि के पैरों को पकड़ा। कैसे मुक्त होंगे पूर्वज, मुनि जी मुझको दीजो बताए। धरा पे धारा बहती जा, मुनि पर एक उपाय बताए। जो कोई गंगा को स्वर्ग से लाए। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने बताया, हे अंशुमान, यदि तुम स्वर्ग से इस धरती पर पतित पावनी माँ गंगा को ले आओगे तब उसके जल में इनकी राख बहेगी, तभी तुम्हारे पूर्वज इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकेंगे। परंतु याद रखना, माँ गंगा को धरा पर लाना कोई खेल नहीं है, इसके लिए तुम्हें भारी तप करना होगा। जाओ और घनघोर तप कर माँ गंगा को स्वर्ग से धरा पर लेकर आओ। मुनिवर एक उपाय बताए, जो कोई गंगा को स्वर्ग से लाए। तभी तरेंगे पुरखे सारे, गंगा कष्ट हरे की तिहारे। अंशुमान गए महलों को फिर, सगर को सारी बात बताए। धरा पे धारा बहती जा, राजा सगर ने तप किया भारी। शक्ति लगा दी अपनी सारी। अपने पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्त कराने हेतु महाराजा सगर ने घनघोर तपस्या की भक्ति, परंतु माँ गंगा को धरा पर ला न सके और अपने प्राण तक त्याग दिए।
उनके पश्चात महाराजा अंशुमान ने भी माँ गंगा का घनघोर तप किया, परंतु वे भी अपने प्रयास में सफल न हो सके। महाराजा अंशुमान के पश्चात महाराजा दिलीप ने प्रयास किया, परंतु वे भी स्वर्गवासी हो गए। अब महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने मन में ठाना कि वो तो गंगा को स्वर्ग से धरा पर लाकर ही दम लेंगे। इस हेतु उन्होंने त्रिदेवों का घनघोर तप किया। आगे क्या होता है भक्तों, आइए सुनते हैं। राजा सगर ने तप किया भारी, शक्ति लगा दी अपनी सारी, मर गए उसके पुरखे सारे, तप कर कर के सारे हारे। अब आई भागीरथ की बारी, त्रिदेवों को लिया मना, धरा पे धारा बहती जा, धरा पे धारा बहती जाए। त्रिदेवों से वर वो पाए, भागीरथ गंगा को मनाए। भागीरथ ने घनघोर तपस्या कर तीनों देवों को प्रसन्न किया और माँ गंगा को धरा पर लाने का वरदान प्राप्त किया। माँ गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में समा गई तथा वहाँ से भारी वेग से धरती की ओर बहने लगी। उनके भारी वेग को भगवान शिव ने अपनी जटा में समा कर रोका और 12 वर्ष तक उनको अपनी जटाओं में ही रखा। अब भागीरथ ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शंख ध्वनि की। तब भगवान शिव ने भागीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा की एक निर्मल धारा छोड़ी। त्रिदेवों से वर वो पाए, भागीरथ गंगा को मनाए, गंगा रौद्र रूप में आई, जटा में शंकर जी के समाए। वेग रोके गंगा का भोले, बोलो भक्तों नमः शिवाय, धरा पे धारा बहती जा, बरस तक शिव जी रोके, जटा में रह गई गंगा खोके। जब 12 वर्षों तक माँ गंगा शिव जी की जटाओं में खोई रही, तब माँ गंगा जी का अहंकार समाप्त हो गया भक्तों। तब इस पर भागीरथ ने श्री विष्णु जी के शंख की ध्वनि की, जिसको सुनकर भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और माँ गंगा की निर्मल धाराएं उन्होंने भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ दी। भागीरथ के पीछे पीछे गौमुख से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार और प्रयागराज आई, जहाँ पर यमुना और सरस्वती से मिलकर त्रिवेणी बनाई। इसके पश्चात तीनों नदियाँ एक साथ मिलकर आगे बढ़ी और वाराणसी होते हुए जहानु मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां पर जहानु मुनि अपने तप में लीन थे। लेकिन माँ गंगा ने अपने प्रबल वेग से जहानु मुनि के आश्रम को भा दिया और उनकी पूजा भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर जहानु मुनि ने गंगा माँ का पान कर लिया और उसे धरती से विलुप्त कर दिया। 12 बरस तक शिव जी रोके, जटा में रह गई गंगा खोके। शंख बजा भागीरथ जाते, संग में गंगा जी को लाते। पीछे मुड़े तो बढ़ गई चिंता,
गंगा को वो कहीं न पाए, धरा पे धारा बहती जाए। जाहन मुनि को भागीरथ मनाए, गंगा को लीने थे छुड़ाए। भागीरथ ने जब पीछे मुड़कर देखा कि माँ गंगा का कोई अता पता नहीं है, तब वे जाहन मुनि के आश्रम में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले, हे मुनिदेव, यदि आपने माँ गंगा को मुक्त नहीं किया तो मेरे पुरखे यूं ही प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। भागीरथ की प्रार्थना सुनकर जाहन मुनि को दया आई और उन्होंने अपनी जंघा से माँ गंगा को मुक्त कर दिया। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे बहती कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची भक्तों, और जैसे ही भागीरथ के पुरखों की राख माँ गंगा के जल में मिली, उसके पुरखे मुक्त हो गए और माँ गंगा की जय जयकार करते हुए वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जाहन मुनि को भागीरथ मनाए, गंगा को लीने थे छुड़ाए। गंगा ने देखा राख का ढेर, एक पल को न लगाई देर। तेज हुई गंगा की धारा, राख के ढेर को लिया बहाए। धरा पे धारा बहती जा, धरा पे धारा बहती जाए। गंगा माँ की महिमा भारी, पावन जल से पुरखे तारी। तो देखा आपने भक्तों, इस प्रकार भागीरथ के पूर्वजों को माँ गंगा ने अपने जल की धारा से मुक्त किया और उन्हें वैकुंठ लोक को भेज दिया। इसी तरह यदि आप भी अपने पाप तापों संतापों से मुक्ति चाहते हैं तो माँ गंगा के जल में एक बार डुबकी अवश्य लगाएं, उन्हें दीप धूप नैवेद्य इत्यादि का दान करें, उन्हें पियरी चढ़ाएं, माँ गंगा प्रसन्न होगी और आपके जन्मों जन्मों के सोए हुए कर्म फलों को जागृत कर आपको मुक्ति का फल प्रदान करेंगी। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए पतित पावनी माँ गंगा मैया की। गंगा माँ की महिमा भारी, पावन जल से पुरके तारी। कथा को लिखता संजय तिवारी, काला गाए महिमा भारी। गंगा सागर कैलाश भी आए, पावन जल में डुबकी लगाए। धरा पे धारा बहती जा, धरा पे धारा बहती जाए। हे गंगा
अमृत फल पाता। आई शरण जो तेरी माता वो नर तर जाता, जो नर है तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। आई शरण जो तेरी माता वो नर तर जाता। कामी क्रोधी पापे आए मुक्ति पाए पाप से, पुण्य के भागी बने वो हे मां गंगे आप से। कामी क्रोधी पापे आए मुक्ति पाए पाप से, पुण्य के भागी बने वो हे मां गंगे आप से। पुण्य के भागी बने वो हे मां गंगे आप से। निर्मल पावन अति मन भावन गंगा तेरी धारा, पतित पावनी पाप नाशिनी कहता है जग सारा। हर गंगे हर गंगे हर गंगे महारानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर गंगे महारानी।
मुख से निकली गंगा तू लेकर पावन जलधारा। कामी क्रोधी लोभी को भी माँ गंगा तुमने तारा। गोमुख से निकली गंगा तू लेकर पावन जलधारा। कामी क्रोधी लोभी को भी माँ गंगा तुमने तारा। युगों युगों से तीन लोक में गूंजे तेरी कहानी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। वजू करे मौलाना जल से पंडित प्यास बुझाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे तेरा नाता है। वजू करे मौलाना जल से पंडित प्यास बुझाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे तेरा नाता है। माता कह के तुम्हें पुकारे सारे हिंदुस्तानी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। पर्वत जंगल मैदानों से बहती हुई गुजरती है। जल तरंग की स्वर लहरी से शिव का वंदन करती है। पर्वत जंगल मैदानों से बहती हुई गुजरती है। जल तरंग की स्वर लहरी से शिव का वंदन करती है। सात सुरों की ध्वनि को सुन के झूमे ओघड़दानी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। सूर्य देव भी पहली किरण से गंगा तुझको नमन करे। तेरे किनारे डुबकी लगा के साधु संत भी भजन करे। सूर्य देव भी पहली किरण से गंगा तुझको नमन करे। तेरे तट पे डुबकी लगा के साधु संत भी भजन करे। सुबह शाम तेरी आरती गावे सारे ऋषि मुनि ज्ञानी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी।
महारानी। शरण में आया माँ उसका तुमने उद्धार किया, कपिल मुनि से शापित सगर के पुत्रों को भी तार दिया। जो भी शरण में आया माँ उसका तुमने उद्धार किया, कपिल मुनि से शापित सगर के पुत्रों को भी तार दिया। भक्त भागीरथ की तुमने माँ हर ली सब परेशानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। धरती की तू प्यास मिटाती, सबके संकट हरती है, अन्नदाता धनदाता गंगे पालन पोषण करती है। धरती की तू प्यास मिटाती, सबके संकट हरती है, अन्नदाता धनदाता गंगे पालन पोषण करती है। धरती के हर जीव पे मैया तेरी मेहरबानी, कल कल करती बहे धरा से तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। हरिद्वार नासिक प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, सभी पंथ के साधु संत से पावन तट तेरा सजता है। हरिद्वार नासिक प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, सभी पंथ के साधु संत से पावन तट तेरा सजता है। कुंभ में डुबकी लगाते कटती भक्तों की परेशानी, कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। मगरमच्छ पे करती सवारी, श्वेत वस्त्र तू धारी माँ, सब जीवों पे कृपा है करती भक्त जनों की प्यारी माँ। मगरमच्छ पे करती सवारी, श्वेत वस्त्र तू धारी माँ,
सब जीवों पे कृपा है करती भक्त जनों की प्यारी माँ। सब पापों को धोती है माँ गंगे जग कल्याणी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। हर हर गंगे महारानी। अंत समय में गंगा जल जिस नर के मुख में पड़ता है उसके सारे पाप मिटे भव सागर पार उतरता है। अंत समय में गंगा जल जिस नर के मुख में पड़ता है उसके सारे पाप मिटे भव सागर पार उतरता है। स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जाता वो कह गए ऋषि मुनि ज्ञानी। कल कल करती बहे धरा पे तेरा अमृत पानी। गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक की लंबी यात्रा के दौरान जो सदा सदा से युगों युगों से भक्तों के सारे पापों को धोती आई है, भक्त जिसे माँ गंगा कह के बुलाते हैं, वो गंगा जो पतित पावनी है, वेद पुराण बताते हैं कि गंगा चालीसा का पाठ करने से इंसान का न सिर्फ तन पवित्र होता है बल्कि उसका मन पवित्र होता है और यहां तक कि उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। तो आइए भक्तजनों, हम भी गंगा चालीसा का पाठ करते हैं। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। जय जग जननी हरण्य अघ खानी, आनंद करनी गंग महारानी। जय भागीरथ सुर सरी माता, कलिमल मूल दलन विख्याता। जय 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 हनुसुता ग्रहणनी, भीष्म की माता जग जननी। धवल कमल दल मम तनु साजे, लखिशत शरद चंद्र छबि लागे। वाहन मकर विमल शुचि सोहे, अमिय कलश कर लखी मन मोहे। जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हरणि तम दूषण। जग पावनि त्रैताप न सावनि, तरल तरंग तंग मन भावन। जो गणपति अति पूज प्रधाना, तिहुते प्रथम गंग स्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी। साठी सहस्त्र सगर सुत तार्यो, गंगा सागर तीरथ धार्यो। अगम तरंग उठ्यो मन भावन, लखी तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षयवट, धरो मातु पुन काशी करवट। धनि धनि सुर सिर स्वर्ग की सीढ़ी, तारणी अमित पितृपद पीढ़ी। भागीरथ तप कियो अपारा, दियो ब्रह्म तब सुर सरिधारा। जब जग जननी चल्यो लहराई, शंभु जटा महारह्यो समाई। वश पर अंत गंग महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथ शंभु ही ध्यायो, तब एक बूंद जटा से पायो। ताते मातु
जय धारा मृत्युलोक नभ हरु पातारा गई पाताल प्रभावती नामा मंदाकिनी गई गगन ललामा मृत्युलोक जानवी सुहावनी कलिमल हरणी अगम जग पावनी धनि मैया तव महिमा भारी धर्म धुरी कलि कलुष कुठारी मातु प्रभावती धनि मंदाकिनी धनि सुर सरित सकल वयनासिनी पान करत निर्मल गंगा जल पावत मन ईक्षित अनंत फल पूरब जन्म पुण्य जब जागत तब ही ध्यान गंगा महलागत जय पगु सुर सरिही तुठावही तई जग अश्वमेघ फल पावही महापतित जिन काहु न तारे तीन तारे एक नाम तिहारे शतयोजन हुसी जो ध्यावही निश्चय विष्णु लोक पद पावही नाम भजत अगणित अघनाश विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाश जिमि धन मूल धर्म अरुदाना धर्म मूल गंगा जल पाना तव गुण गुण निकरत सुख भाजत गृह गृह संपत्ति सुमति विराजत गंगा ही नेम सहित निज ध्यावत दुर्जन हूँ सज्जन पद पावत बोधहीन वेद्या बल पावे रोगी रोग मुक्त हो जावे गंगा गंगा जो नर कहीं भूखे नंगे कबहु न रहाई निकसत की मुख गंगा माई श्रवण दाबी अम चलही पराई महाधिन अध मन कहाँ तारे भये नरक के बंद की वारे जो नर जपे गंग शत नामा सकल सिद्ध पूर्ण होय कामा सब सुख भोग परम पद पावही आवागमन रहित होय जावही धनी मैया सुर सर सुख देनी धनी धनी तीरथ राज त्रिवेणी ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा सुंदर दास गंगा कर दासा जो यह पढ़े गंगा चालीसा मिले भक्ति अविरल बागीसा नित नव सुख संपत्ति लाहे धरे गंग का ध्यान अंत समय सुरपुर बसे सादर बैठे विमान संभवत भुज नव दिशि राम जन्म दिन चे पूरण चालीसा कियो हरि भक्त निहित ने भक्तों है श्री हरि का द्वार हर की पौड़ी भक्तों है श्री हरि का द्वार कल कल बहती भक्तों यहाँ गंगा माँ की धार हर की पौड़ी भक्तों है श्री हरि का द्वार कल बहती भक्तों यहाँ गंगा माँ की धार कल कल बहती भक्तों यहाँ गंगा माँ की धार भागीरथ के आवाहन
पर स्वर्ग से आए, शिव की जटाओं में फिर गंगा समाए। भागीरथ के आह्वान पर स्वर्ग से आए, शिव की जटाओं में फिर गंगा समाए। आए धरा पे गंगा करने सबका उद्धार, आए धरा पे गंगा करने सबका उद्धार। कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार, कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार। से चलती गंगा देखो इठलाती, ऋषिकेश और हरिद्वारा आए बलकाती। गौमुख से चलती गंगा देखो इठलाती, ऋषिकेश और हरिद्वारा आए बलकाती। सबके पाप मिटाने हर ने धरती का भार, सबके पाप मिटाने हर ने धरती का भार। कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार, कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार। जल में जो भी गोता लगाए, पापों से तापों से वो मुक्त हो जाए। गंगा के जल में जो भी गोता लगाए, पापों से तापों से वो मुक्त हो जाए। गंगा जो नहाए पाए गंगा का प्यार, गंगा जो नहाए पाए गंगा का प्यार। कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार, कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार। गंगा मैया तुमको पियरी चढ़ाऊं, माथे पे तेरे जल से तिलक लगाऊं। हे गंगा मैया तुमको पियरी चढ़ाऊं, माथे पे तेरे जल से तिलक लगाऊं। चंदन का माँ गंगे तेरे तट पे है संसार, चंदन का माँ गंगे तेरे तट पे है संसार। कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार, कल कल बहती भगतों यहाँ गंगा माँ की धार।
कल बहती भक्तों यहाँ गंगा माँ की धार। स्वर्ग से धरा पे आई गंगा, शिव की जटा में समाई गंगा, गोमुख माँ का उद्गम द्वार, जहाँ से बहे गंगा की धार। गोमुख से गंगोत्री आई, जहाँ पे शिव ने जटा फैलाई, भागीरथी ने किया तप भारी, प्रकट हुई माँ बनकर नारी। ब्रह्मा विष्णु सूर्य शिव आए, गंगा माँ पर फूल बरसाए, माँ गंगा ने किया प्रणाम, पावन गंगोत्री धाम। गंगोत्री में पांडव आए, यहाँ पे आकर यज्ञ कराए, महाभारत के मृतक को तारे, सारे योद्धा स्वर्ग से धारे। शंकराचार्य प्रतिमा लाए, माँ की प्राण प्रतिष्ठा कराए, मूर्ति में गंगा ने किया निवास, भक्तों के पाप को करती नाश। गंगोत्री में जो डुबकी लगाते, माँ का दर्शन करने आते, नमामि गंगे का करते जा, उनके मिटे शोक संता। गंगोत्री में गिरी पहली धारा, धरती माँ को गंगा ने तारा, देख के धरती माँ हर्षाई, गंगा जी को गले लगाई। धरती माँ गंगा से बोली, बन जाओ मेरी हम जोली, मेरे संग सदा ही रहना, धरा में युगों युगों तक बहना। धरती से गंगा का मिलन हुआ, बना गंगोत्री धाम, दर्शन देते शिव शंभु जब हो जाए शाम। चले देवता 33 करोड़, गंगा माँ संग स्वर्ग को छोड़, अलक नंदा भागीरथी मिलाकर, बस गए देव प्रयाग में आकर। संगम तट बना देव प्रयाग, डुबकी लगाते चमके भाग, सारे तीरथ का फल पाता, तन मन मानव का तर जाता। जहाँ जहाँ माँ गंगा आई, अपने तट पर तीर्थ बसाई, ऋषिकेश में आई गंगा, जहाँ पे संत करत सत्संगा। पावन गंगा की बहती धार, ऋषिकेश चारों धाम का द्वार, यहीं पे शिव ने विष पी डाला, नीलकंठ हुआ चेहरा काला। देखे गंगा तट मनोहारी, रैम ऋषि ने किया तप भारी, ऋषि के पास आए भगवान, दर्शन दे हुए अंतर, प्रभु ऋषिकेश रूप में आए, रम्य मुनि ने दर्शन पाए, ऋषिकेश पड़ा नगर का नाम, यहीं से जाते चारों धाम। जो गंगा में डुबकी लगाते, नीलकंठ दर्शन को जाते, उनके खुले तकदीर का ताला, खुश हो जाए डमरू वाला। राम लखन ऋषिकेश में आए, गंगा जी में डुबकी लगाए, नीलकंठ का दर्शन पाए, भक्तों ने उनके झूले बनाए। लखन सिया भी संग चले, जब हुआ राम बनवास, ऋषिकेश में रुके प्रभु माँ गंगा के पास, राम झूला का दर्शन पावन, लक्ष्मण झूला अति मन भावन, जो भी इनके दर्शन करते भव सागर से पार उतरते।
गंगा का सौंदर्य लुभाया, आश्रम यहाँ ऋषियों ने बनाया, करके संत गंगा स्नान, ऋषिकेश को करके पार, माँ गंगा आई हरिद्वार, यहीं से जाते बद्री धाम, इसी से हरिद्वार पड़ा नाम। माँ गंगा का मंदिर पावन, हर की पौड़ी पे अति मन भावन, भक्त यहाँ करके स्नान, जो भी करे यहाँ गंगा आरती, माँ भव सागर पार उतारती, धर्म अर्थ संग मोक्ष को पाता, माँ की कृपा से नर तर जाता, ब्रह्म कुंड यही पास में सट के, गिरामृत यही गंगा तट पे, गंगा का जल बना अमृत धार, आते यहाँ लाखों नर नारी, कुंभ का मेला लगता भारी, करके लोग गंगा स्नान, दुखियों को देते दान, जो भी करे कुंभ में दान, उसका हरि करते कल्याण, मन वांछित वर करे प्रदान, कुंभ का दान महाकल्याण, हरिद्वार में वास कर, जो भी करे उपवास, स्वर्ग की प्राप्ति होती उसे, यम नहीं फटके पास, लोग करे यहाँ पितृ तर्पण, अस्थि कलश गंगा को अर्पण, गंगा पितृ को मुक्ति दिलाती, सीधे स्वर्ग उसे पहुँचाती, पापी भी तरे आकर पास, माँ गंगा कर पाप का नाश, तन और मन पवित्र कर देती, माँ सबके संकट हर लेती, हरिद्वार से कदम बढ़ाई, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा आई, यहाँ पे गंगा की महिमा भारी, शापित शिव गणों को तारी, मंदिर माँ गंगा का विशाल, मुक्तेश्वर यहाँ बने महाकाल, करके यहाँ गंगा का दर्शन, मुक्त हुए यहाँ शापित शिवगण, परशुराम भी यहाँ पे आए, गढ़ गंगा में डुबकी लगाए, कांवर भर गंगा जल लाए, मुक्तेश्वर पर जाके चढ़ाए, गढ़ गंगा करके स्नान, भारी पुण्य हो करने से दान, गंगा शिव का जो दर्शन करते, उनके सारे कष्ट शिव हरते, कार्तिक माह में जुटे नर नारी, गढ़ गंगा पे मेला भारी, भक्त करके गंगा स्नान, गंगा में करी दीप का दान, दीपक गंगा जी में जलाते, आरती माँ गंगे की गाते, यहाँ पे मन वांछित वर पाते, भक्तों के जीवन धन्य हो जाते, गढ़ मुक्तेश्वर पीछे छोड़, गंगा चली प्रयाग की ओर, यमुना सरस्वती भी आई, संगम तीनों ही मिलके बनाई, ब्रह्मा प्रयाग में यज्ञ किए भारी, हरि के संग आए त्रिपुरारी, हरने को धरती से पाप कभा, तीनों देव लिए अवतार, जीवन दायिनी माँ गंगा, अमृत इसकी धार, जल का जो रस पान करे, पहुँचे भव से पार, संगम की यह महिमा भारी, करे स्नान लाखों नर नारी, कुंभ में जो भी करे स्नान, पूरे हो उसके अरमान, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, संगम तट पे डुबकी लगाए, तप से बरगद वृक्ष उगाए, जो धरती से पाप मिटाए, बरगद अक्षय वट कहलाता, जो है सभी सुखों का दाता, अमर वृक्ष त्रिदेव बनाए, परलय में भी मिट नहीं पाए, कल्पवास जो करे प्रयाग,
उनके जग जाते हैं भाग, करने से माघ मास का प्रवास, सात जन्म के पाप हो नाश। अति सुंदर रमणीय स्थान, यहाँ ऋषि मुनि देते ज्ञान, प्रयाग तीर्थ को बना महान, गंगा माने किया प्रस्थान, शक्ति पीठ को देख लुभाई, प्रयाग से गंगा विंध्याचल आई, श्री लक्ष्मी माँ सरस्वती काली, अपने भक्तों की करे रखवाली, गंगा माँ की महिमा निराली, विंध्याचल में डेरा डाली, तीनों देवियों के संग रहती, भक्तों के सारे पाप को हरती, गंगा में शुद्ध करके तन मन, भक्त करें देवियों का दर्शन, विंध्याचल में त्रिकोण जो करते, उनसे यम के दूत भी डरते, तीनों देवियों को कर जोर, विंध्य से चली बनारस ओर, गंगा माता गई काशी, जहाँ पे बसते शिव अविनाशी, अपने त्रिशूल पे शिव अविनाशी, पावन नगरी बसाए काशी, यहाँ पे गंगा की अलग है ठास, जहाँ पे बने हैं अस्सी घाट, गंगा के तट पे तप करते ऋषि मुनि ज्ञानी संत, पतित पावनी माँ गंगा करती दुखों का अंत, मणिकर्णिका काशी की शान, शमशानों में सबसे महान, जिसका यहाँ हो दाह संस्कार, गंगा माँ उसको कर भवपान, हरि संग शिव का है वरदान, जो नर तज काशी में प्राण, उसके सभी पाप कट जाते, वसी बैकुंठ परम पद पाते, काशी में जो डुबकी लगाए, गंगा उसके पाप बहाए, अमृत पावन गंगा का जल, तन मन को कर देता निर्मल, शिव जी ब्रह्मा पर गुस्साए, काल भैरव को प्रकट कराए, दिए आदेश न देर लगाओ, ब्रह्मा का सिर काट गिराओ, काल भैरव न देर लगाए, ब्रह्मा का सर काट गिराए, ब्रह्म हत्या का लग गया पाप, करने लगे शिव जी का जाप, शिव के कहने पे काशी आए, काल भैरव गंगा में नहाए, गंगा जल को शिव पे चढ़ाए, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाए, काशी नगरी की महिमा पार, विश्वनाथ का जहां दरबार, बह गंगा की अमृत धार, भूल देती है मोक्ष कहार, काशी विराजे वीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, अति मनोरम घाट है असी, काशी में बिके हरिश्चंद्र दानी, यहाँ सर्व ऋषियों की राजधानी, गंगा शिव के जटा में बहती, पार्वती माँ शिव संग रहती, शिव के त्रिशूल पे काशी का वास, प्रलय में ना हो इसका नाश, गंगा के तट पे जो आरती गाए, गंगा उस पे कृपा बरसाए, गंगा माँ के दर्शन से कट जाते सभी पाप, विषय वासना दूर हो मिटे शोक संताप, गंगा जी का लेते नाम, काशी की रंगीन हो शाम, काशी की गंगा आरती प्रसिद्ध, गावे संत महामुनि सिद्ध, काशी से गंगा आई बक्सर, जहाँ बसे विश्वामित्र मुनिवर, राम लखन बक्सर में आए, पल में ताड़ का मार गिराए, विश्वामित्र का यज्ञ कराए, राम लखन गंगा में नहाए, जहाँ पे राम जी डुबकी लगाए, जो राम रेखा घाट
घाट कहाई। बक्सर से गंगा वेग बढ़ाई, सुल्तानगंज नगर में आई, जा हनुम मुनि से जा टकराई, हवन सामग्री जल में बहाई। गंगा पे जा हनुम मुनि गुस्साए, अपने कमंडल में गंगा उठाए, पी गए सब गंगा का पानी, मुनि के उदर में गई महारानी। कोशिश करके जोर लगाई, लेकिन गंगा निकल ना पाई, मुनि के आश्रम पे रुका पानी, गंगा माँ पे बड़ी परेशानी। भागीरथी नजर दौड़ाए, कहीं नहीं गंगा को पाए, जा हनुम मुनि के आश्रम आए, ईश्वर से गंगा को छुड़ाए। ऋषिवर गंगा माँ को छोड़े, उत्तर दिशा में गंगा को मोड़े, यहाँ है गंगा उत्तर वाहिनी, पापनाशिनी मोक्षदायिनी। उत्तर वाहिनी गंगा का जल अति शुद्ध होता है निर्मल, सुल्तानगंज अजगै विधाम, जिसका जग में बड़ा है नाम। सुल्तानगंज कांवरिया आए, गंगा जी में डुबकी लगाए, गंगा जल कांवर में उठाए, देव घर में बोली को चढ़ाए। घड़ियों में आधो घड़ी, आधों में पुनिया, जो भी जपे माँ गंगा को कटे कोटि अपराध। सुल्तानगंज से आई मुंगेर, भागलपुर में रुकी कुछ देर, भागीरथी जोड़े माँ को हाथ, गंगा चली भागीरथ साथ। माँ गंगा होती गई गहरी, आगे बढ़ी करते स्वर लहरी, कपिल मुनि के आश्रम आई, मुनि शरण में शीश झुकाई, आदर सहित मुनि बैठाए, गंगा को सारी बात बताए, सामने दिखा के राख कढ़े, बोले गंगा करो न दे। भागीरथ के पूर्वज तारो, मेरे शाप से इन्हें उबारो, तीव्र करो तुम अपनी दार, खोल दो इनके मुक्ति के द्वार। गंगा माँ अपनी गति बढ़ाई, राख की ढेर को जल में बहाई, भागीरथ के पूर्वज तारे, गंगा भव से पार उतारे। गंगा हृदय में कर के वास, काम क्रोध का कर देना, मगरमच्छ पे करती सवारी, गंगा हरती पातक भारी। गंगा में जो दीप जलाए, उसका जीवन धन्य हो जाए, ऋषि मुनि कह गए सन्यासी, गंगा जल होता ना वासी। श्वेत वस्त्र धारण माँ करती, कली के सभी कलेश को हरती, गंगा जल जो शिव को चढ़ाए, पल में मन वांछित फल पाए। संत सन्यासी करे आराधना, गंगा तट पे करते साधना, माता सबके संकट हरती, सबके मनोरथ पूरे करती। कर जोर कर वंदन करते, संजय रवि कैलाश ये कहते, माँ मेरे आंगन में पधारो, मेरे बिगड़े भाग्य सवारो। गंगा जल तुलसी दल जो अंत समय में पाए, यम का दरस न हो उसे, सीधे स्वर्ग ही जाए। हम पतित पावनी गंगा माँ की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्ति भाव से माँ गंगे का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर थे बड़े दानी, अश्वमेध यज्ञ करने की राजा ने तब ठानी, मुनि वशिष्ठ को यज्ञ करवाने को बुलवाए, आके निमंत्रण राजा सगर का वशिष्ठ मुनि आए, वशिष्ठ मुनि के चरण कमल में राजा कर जोड़े, अश्वमेध का घोड़ा सजा कर राजा सगर छोड़े, घोड़े के पीछे पीछे सैनिक भी लगवाए, घोड़े की रक्षा करना ये सबको समझाए, पीछे पीछे घोड़े के सैनिक चलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। यज्ञ की सारी बातें सुन के इंद्र देव घबराए, चिंता सताने लगी कहीं मेरा स्वर्ग न छिन जाए, अश्वमेध यज्ञ भंग करने को देवराज ठाने, इंद्रदेव की माया को सैनिक नहीं जाने, इंद्रदेव पकड़े घोड़े को रच के माया जाल, इंद्रदेव घोड़े को लेकर जा पहुँचे पाताल, कपिल मुनि के आश्रम घोड़े को लेकर आए, जहाँ पे कपिल मुनि बैठे थे अपनी समाधि लगाए, कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को छुपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। घोड़ा छोड़े सगर को होने को आया एक साल, फिर भी पता नहीं लग पाया था घोड़े का हाल, 60,000 पुत्र को राजा सगर ने बुलवाया, घोड़ा खोज के लाओ सगर ने है आदेश सुनाया, धरती का कोना कोना छाने अश्व नहीं पाए, हार के पुत्र सगर के पास अयोध्या है आए, पिता से बोले आके घोड़ा खोज नहीं पाए, राजा सगर दोबारा अपने पुत्रों को समझाए, ढूंढो पताल में जाकर राजा सगर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। साठ हजार वीर पराक्रमी लेकर हाथ कुदाल, धरती का सीना खोद के सारे जा पहुँचे पाताल, सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में आए, अश्वमेध का घोड़ा वहीं पे बंधा हुआ पाए, कपिल मुनि को ही सगर के पुत्रों ने समझा चोर, मारो काटो इस ढोंगी को लगे मचाने शोर, शोर को सुन के कपिल मुनि की हुई समाधि भंग, क्रोध देख के कपिल मुनि का सभी हो गए दंग, मुनि के शापित जल से वे सभी भस्म हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। साठ हजार पुत्र सगर के वापस नहीं आए, अनहोनी की आशंका से सगर जी घबराए। अपने पौत्र अंशुमान को राजा बुलवाए, चाचाओं संग घोड़े को लावो ये आदेश सुनाए। घोड़े की खोज में अंशुमान भी जा पहुँचे पाताल, कपिल मुनि के चरण को झुके बतलाए हैं हाल। अंशुमान को कपिल मुनि ने राख का ढेर दिखाया, जल के भस्म हुए तेरे पूर्वज उनको बतलाया। मुझे शाप देने को विवश किए मुनिवर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। अंशुमान सुनकर मुनिवर की बात को घबराए, कैसे मुक्त होंगे मेरे पूर्वज समझ में ना आए। कैसे तरेंगे पूर्वज मेरे मुनिवर बतलाओ, मुनिवर बोले स्वर्ग से धरा पे गंगा को लाओ। घोड़े को संग लेके अयोध्या अंशुमान आए, अंशुमान सारी घटना राजा को बतलाए। अश्वमेध यज्ञ पूरा करके सगर भी घबराए, गंगा माँ को पाने के लिए सगर समाधि लगाए। फिर भी गंगा माँ को राजा सगर न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। सगर समाधि में दम तोड़े अंशुमान आए, माँ गंगा को पाने के लिए वो भी समाधि लगाए। वे भी समाधि में दम तोड़े गंगा को ना पाए, तप करने को उनके पुत्र दिलीप तब आए। गंगा माँ को पाने के लिए वे भी समाधि लगाए, पूर्ण हुआ उनका भी जीवन गंगा को ना पाए। पूर्वजों को मुक्ति दिलाने भगीरथ तब आए, ध्यान लगा के माँ गंगा का तप का आसन लाए। राज काज सब छोड़ के वे तप में लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। भगीरथ के तप से खुश होकर ब्रह्मा जी आए, वर मांगो राजन तुम हमसे कह के मुस्काए। भगीरथ बोले ब्रह्मा जी से मुझको बतलाए, गंगा जी को धरा पे कैसे लेकर हम जाएं। गंगा को पाने के लिए विष्णु के शरण जाओ, उनके शरण में जाकर तुम गंगा जी को पाओ। तप में भगीरथ गंगा संग विष्णु का लगाए ध्यान, सारी बातें बता के ब्रह्मा हो गए अंतर ध्यान। देख के भक्ति भगीरथ की विष्णु जी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती स...
बोले भगीरथ बातें सुनो लगा कर ध्यान। गंगा को ले जाना दरा पे इतना नहीं आसान। गंगा क्रोध में स्वर्ग से जब धरा पे जाएगी, अपने वेग से धरा को भी वो साथ बहाएगी। बिना शिव के गंगा को कोई रोक न पाएगा। सफल होगा जब गंगा संग तो शिव को मनाएगा। गंगा के संग शिव का भी तब किए भागीरथ ध्यान। प्रकट होके शिव शंभु बोले मांगो तुम वरदान। सुन के बात शिव शंभु की भगीरथ मुस्काते हैं, मन ही मन हर्षाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। ब्रह्मा विष्णु शिव जी पास भगीरथ के आए। त्रिदेवों का दर्शन पाके भगीरथ मुस्काए। विष्णु जी के अंगूठे से निकली गंगा माई, अंगूठे से निकल के ब्रह्मा जी के कमंडल में आई। विष्णु के पद से निकली माँ विष्णु पद कहलाई। स्वर्ग से चली भागीरथी के संग में गंगा माई। तीव्र वेग से चली है गंगा देवता घबराए। देख के क्रोधित गंगा को शिव जटा को बिखराए। जटा में गंगा को लेकर शिव जी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। शिव की जटा में खो गई गंगा भगीरथ घबराए। घबरा के भगीरथ शंकर जी का तब ध्यान लगाए। बारह वर्षों के बाद में शिव जी अपनी जटा खोले। भगीरथ की चिंता को देख के शंकर जी बोले, गंगा की दसवीं धारा भगीरथ तुम ले जाओ। अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलवाओ। सर्वप्रथम धरती पे गौमुख गंगा माई। आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। गोमुख से चलकर दोनों हरिद्वार में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। हरिद्वार से गंगा चली प्रयागराज आई। यमुना सरस्वती दोनों बहनों से मिल हर्षाई। तीनों बहनें मिली जहाँ पे संगम कहलाया। तीर्थराज का पद प्रयाग पा करके मुस्काया। दोनों बहनों से विदा लेके गंगा काशी आई। काशी में आके विश्वनाथ के चरणों से लिपटाई। काशी से चल के गंगा जहनों के आश्रम आई। मुनि के पूजन की सामग्री अपने साथ बहाई। क्रोध में आके मुनिवर गंगा को पी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। धरती पे कैसे आई गंगा ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। जहनु मुनि के आश्रम पे भगीरथ तब आए। करके प्रार्थना मुनिवर की गंगा को छुड़वाए।
जहनू के जंघे से चली जाह्नवी कहलाई, वहां से चल के गंगा कपिल मुनि के आश्रम में आई। भगीरथ के पूर्वजों के राख के ढेर को माँ ने बहाया, मुक्त हुई पितरों की आत्मा भगीरथ हर्षाया। गंगा मिली सागर में गंगा सागर कहलाया, पूर्ण हो गई उनकी कामना जो भी यहाँ आया। रवि संजय कैलाश गंगा में डुबकी लगाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं, इस तरह से धरती पे आई गंगा वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार, निर्मल गंगा की धार करती सबका उद्धार। Oh,
बात तुम्हारी जो जन नित गाता। दास वही तो सहज में, दास वही तो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुम तो जाता, जो नर तुम तो जाता, मन वांछित फल पाता।